नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। ये है दोस्तों होंडा साइन SP125, जो इंडिया का पॉपुलर बाइक हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जब से ये बाइक आई है इंडिया में धूम मचा रखी है, सब लोगों के दिलों में राज करने वाली बाइक है। तो दोस्तों, अगर आप भी 125 की सीसी में अगर बाइक लेना चाहते हैं तो आप अपने राय जरूर बताएं कमेंट में कि कौन सी बाइक को आप पसंद करते हो। तो दोस्तों, इसकी खासियत बात कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। सबसे पहले इसकी इंजन की बात करें तो हमें 125 सीसी के इंजन देखने को मिल जाता है, जो साइलेंट स्टार्ट देखने को मिलता है। इस यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है दोस्तों, इसमें SCG स्टार्ट है, जो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा BS6 बाइक या स्कूटी में हमेशा 3 से 4 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, तभी उसका फ्यूल पंप खराब नहीं होता, नहीं तो फ्यूल पंप खराब हो जाता है। पर इस बाइक में ऐसा ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें आप 50 रुपये का भी पेट्रोल डालोगे तो इसका फ्यूल मोटर खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूल मोटर दोस्तों टंकी के अंदर नहीं है, टंकी से नीचे दिया गया है, यानी कि अलग सिस्टम किया हुआ। इसीलिए ये आप 50 का भी पेट्रोल डालो तो इसमें ऐसी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, टायर साइज की बात करें, टायर हमेशा इसमें आगे पीछे बिल्कुल सेम साइज देखने को मिलेगा। यही खासियत है, जो 125 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी ये 70+ माइलेज देता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये 70+ माइलेज देता है, क्योंकि इसके टायर थोड़े पतले हैं। फैमिली लाइक बिल्कुल नंबर 1 बाइक है दोस्तों। फैमिली बिठाने के लिए सीट बिल्कुल सिंगल सीट मिलता है, डबल सीट नहीं है। जब भी आप डबल सीट बाइक में बैठते हो तो दोस्तों उसमें 2-3 बंदे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, या माता या बहनें हों, लेडीज हों, तो उनको डबल सीट बाइकें थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है। पर इस बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फैमिली वाले समझ के अगर बाइक लेते हैं तो बिल्कुल नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, शोकर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें नॉर्मल शोकर ही देखने को मिलता है, जो आम बाइकों में भी होता है दोस्तों। उसके बाद बात करें मीटर की, तो मीटर इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो आगे से लुक वाइज देख सकते हो, बिल्कुल भारी भरकम दिखता है देखने में। लुक वाइज में आप अगर इसको 200 सीसी या 150 सीसी के बाइक के बीच में इसको खड़ी कर दो तो आपकी अपनी बाइक छोटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जैसे कि पैशन प्रो, स्प्लेंडर होता है, इन बाइकों को अगर 150 सीसी, पल्सर 180, इनके सामने खड़ी करें तो वो बाइक थोड़ा नीचे लगता है, यानी कि छोटी लगता है। ये बाइक ऐसा कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस हमें 1 लाख से ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि 1 लाख से 10 के अंदर मिल जाता है। इसमें 2 वेरियंट देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक और एक नॉर्मल ब्रेक। अगर आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक लेते हो तो 5,000-6,000 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं। अगर वही नॉर्मल लेना चाहते हो तो 5-6 हज़ार उसमें कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।